नमस्कार, मैं हूं अनुपम लोक। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। साल है 2020 और तारीख है 14 फरवरी। वैसे तो दुनिया भर के लिए और भारत के लिए भी ये दूसरी तारीखों के समान ही है, लेकिन आज से एक बरस पूर्व 14 फरवरी 2019 को भारत के कश्मीर के पुलवामा में एक ऐसा हादसा हुआ जिस हादसे ने पूरे देश भर की रूहों को कपा दिया, जिस हादसे ने देश के 40 से अधिक वीर जवानों को अपनी आगोश में ले लिया और जिसमें देश भर के आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। हम बात कर रहे हैं पुलवामा अटैक में शहीद हुए 40 वीर जवानों की। 3:15 बजे का वक्त था, 14 फरवरी 2019 का दिन था, जब पुलवामा में सैनिकों के काफिले पर एक कार के द्वारा हमला कर दिया गया और हमला इतना खतरनाक था कि पूरी की पूरी बस के परखच्चे उड़ गए। 40 जवान एक लंबी गहरी नींद में सो गए, शहीद हो गए। और इस तरह भारत के हर हिस्से में, भारत की रग रग में, भारत माता के स्वर में एक रुदन भरी आवाज़, एक रुदन भरी स्मृति, एक भावुक कर देने वाली स्मृति को दे गए। आज पूरे एक बरस हो गए उन शहीदों को, लेकिन उन शहीदों के होने के बाद भी हमारी सरकार ने, हमारी सियासत ने कहां तक इस घटना से सबक लिया है, यह एक बड़ा सवाल है। अब भी हर 2-4 दिन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी घटना में भारत के शहीद लगातार शहीद होते रहते हैं और यह सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी बात पिछले ही दिनों की है, जब सियाचिन में अच्छे तरीके से सैनिकों को ना तो भोजन मिल पा रहा है और ना ही कहीं ना कहीं उनको बेहतर क्वालिटी के जूते मुहैया कराए जा सके। हम विश्व गुरु बनने की कितनी भी बड़ी बातें कर लें, हम दुनिया की विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनने की ताकत कर लें, लेकिन आज भी हमारे जो देश का सैनिक है उसे सही तरह की सुविधाएं मुहैया कराने में सरकार, चाहे इनकी रही हो या उनकी रही हो या किसी की भी रही हो, विफल रहे। चुनावों में भारत पाकिस्तान का मुद्दा, चुनावों में आतंकवाद का मुद्दा, चुनावों में सैनिकों की बेहतरी का मुद्दा तो हर बार आता है, लेकिन हकीकत में वो मुद्दा कब तब्दील होगा, हकीकत में उन मुद्दों की बात कब की जाएगी और सड़कों से संसद के पटल में एक सैनिक की सुरक्षा की बात कब रखी जाएगी, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर पूरे देश को विमर्श करना चाहिए, जिस पर देश के सांसदों, शासकों, प्रशासकों और यहाँ तक कि देश की संसद में बैठे हुए आला अफसरों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों को भी खोज खबर लेने की ज़रूरत है। देश के हर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए सैनिक अपनी जान की बाजी लगा करके सीमाओं पर होता है। वह अपनी माँ, अपनी बहन, अपने भाई, अपने परिवार को छोड़ करके देश की सीमा पे दिन रात सिर्फ इसलिए खड़ा रहता है क्योंकि उसे देश के हर व्यक्ति के चैन की नींद सोने की इच्छा होती है, चैन की नींद सोने की जिम्मेदारी उसके कंधे पर होती है। लेकिन जब हमारी सरकार, जब हमारी शासन प्रशासन सिर्फ चुनावी मुद्दों तक सैनिकों को लेकर के जाती हैं, तब कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय किया जाता है। और एक आम नागरिक होने के नाते पूरे देश की जिम्मेदारी है कि जो हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात एक करके 24 घंटे देश की सीमाओं पर प्रहरा देते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी बेहतर इंतजाम किए जाने की मांग की जाए, बेहतर इंतजाम करने की दिशा में सरकारों के द्वारा कदम उठाए जाएं। शहीदों की इस पहली बरसी पर हम उन्हें भावुक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अपने इस विशेष प्रस्तुति में पुलवामा में शहीद हुए हर एक जवान के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। दिल दहला देने वाले पुलवामा के इस अटैक में भारत के कई जवान शहीद हो गए थे, जिनमें उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के पंकज कुमार त्रिपाठी, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के तिलक राज, उत्तर प्रदेश के सदर के अजीत कुमार आज़ाद, उत्तर प्रदेश के कन्नौज के प्रदीप सिंह, उत्तर प्रदेश कानपुर देहात के श्याम बाबू, वहीं उत्तर प्रदेश वाराणसी के रमेश यादव, चंदौली मुगल सराय के अवधेश कुमार यादव, उत्तर प्रदेश मैनपुरी के राम वकील,
उत्तराखंड ऊधम सिंह नगर के बीरेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश शामली के अमित कुमार, उत्तर प्रदेश शामली के ही प्रदीप कुमार, जबलपुर सिहोरा मध्य प्रदेश के अश्वनी कुमार कांची, प्रतापपुरा उत्तर प्रदेश के कौशल कुमार रावत, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के महेश कुमार, देवरिया के विजय कुमार मौर्य, पंजाब मोगा के जयमाल सिंह, पंजाब गुरदासपुर के मनिंदर सिंह अत्री, महाराष्ट्र बुलढाणा के नितिन शिवाजी राठौड़, राजस्थान के कोटा के हेमराज मीणा, जम्मू और कश्मीर रजौरी के नसीर अहमद, पंजाब के तरन तारण के सुखजिंदर सिंह, झारखंड गुमला के विजय सोरेंग, ओडिशा मनोज कुमार बेहरा, केरल वायनाड के संता कुमार बीवी, कोपिल पुट्टी दिल्ली श्री के सुब्रमण्यम जी और सुदीप विश्वास, असम के मुनेश्वर सुमातारी श्री शिवचंद्रन, कुलविंदर सिंह, राजस्थान के जीतराम, कर्नाटक के गुरु एच, पश्चिम बंगाल के बबलू संतारा, ओडिशा के पीके साहू, राजस्थान के भगीरथ सिंह, बिहार पटना के संजय कुमार सिन्हा, राजस्थान के नारायण लाल गुर्जर, बुलढाणा महाराष्ट्र के संजय राजपूत, उत्तराखंड उत्तरकाशी के मोहन लाल, बिहार के भागलपुर के रतन कुमार ठाकुर, राजस्थान जयपुर के रोहितास लांबा शामिल थे। सुनने में तो ये महज 40 नाम थे, लेकिन इस हमले के बाद देश के हर माँ बाप, देश के हर बहन, देश के हर भाई की आंखों में आंसू थे और वो आंसू कहीं ना कहीं इस शहादत के लिए थे। लेकिन उसके बावजूद भी देश के वीर सपूतों से जुड़े हुए लोगों ने कभी भी सर झुका करके यह नहीं कहा कि मुझे इस घटना का दुख है, क्योंकि देश के लोग अब भी देश के लिए जान लुटाने के लिए, मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और पहली बार पूरी दुनिया ने देखा कि इस बीभत्स आतंकी हमले में शहीद हुए परिवारों के घरों से यह कहा गया कि मेरा बेटा शहीद हुआ है, मुझे इस बात का गम नहीं है, बल्कि मुझे इस बात का गर्व है कि वो देश के लिए अपनी जान कुर्बान करके गया है। इसी तरह देश के हजारों सैनिक, देश के हजारों जवान भारत की सीमाओं पर लगे रहकर के भारत की सीमाओं में देश की रक्षा के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन सवाल फिर से वही है कि क्या हम निश्चिंत हो सकते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसा कोई दूसरा बड़ा हादसा नहीं होगा जो हमारी आंखों में आंसू ला दे? क्या हम निश्चिंत हैं कि हमारी सीमाओं पर सुरक्षा करने वाला जवान जो हमारे लिए दिन रात अपने जान जोखिम पे डाले रहता है, उसकी सुरक्षा के लिए सही नीतियां और सही नियम बनाए जा सके हैं? ये कई सवाल हैं जो इस घटना को स्मरण करते हुए जहन में आते हैं और बार बार उस घटना के उस बीभत्स दृश्य को हमारी आंखों के सामने ला देते हैं, हमें श्रद्धांजलि देने के लिए प्रेरित कर देते हैं। और कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ी दुखद घटना जो भारत के इतिहास के लिहाज से एक काला दिन कहा जा सकता है, हमारे जहन में कई सवाल छोड़ जाता है। आज हम शहीदों को सिर्फ श्रद्धांजलि दे सकते हैं, लेकिन काफ़ी कुछ है जो वास्तविक श्रद्धांजलि हो सकती है। शायद पुलवामा अटैक के सभी शहीदों को तब सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी जब देश में एकता और अखंडता की बात किसी भी सियासी उठापटक, किसी भी सियासी संघर्ष से ऊपर होगी, जब देश में एकता अखंडता की बात हर व्यक्ति, राजनीति, सियासत और धर्म मजहब जाति से ऊपर उठ करके करेगा, जब देश के सैनिकों के प्रति देश भर में सम्मान की बात होगी, सुरक्षा की बात होगी, तब शायद हम पुलवामा अटैक के सभी शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकेंगे। एक बार पुनः द खबरदार न्यूज पुलवामा अटैक में शहीद हुए भारत के सभी 40 वीर सपूतों को नमन करता है, उनको श्रद्धांजलि देता है
और उम्मीद करता है कि आने वाले भारत के भविष्य में फिर ऐसी कोई दर्दनाक घटना नहीं होगी जो भारत में एक काले दिन के तौर पर, भारत के इतिहास में एक भावुक क्षण के तौर पर, एक भावुक इतिहास के तौर पर लिखी जाए। देखते रहिए द खबरदार न्यूज, बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।